be giving the ticket from Meerut to Arun Govil, who played the role of Lord Ram in the epic series of Ramayana, has stirred a lot of emotions in Meerut. We are at a group of BJP supporters here who've come here to listen to the Chief Minister and Mr. Arun Govil. So, Arun Govil ji ko ticket dena, ये कितनी बड़ी बात है और आपको क्या लगता है इसे मेरठ में जीत सुनिश्चित हुई है? 100% जीत सुनिश्चित है और एक राम के चेहरे में हम उनमें के चेहरे में हम अपना एक राम जी का चेहरा देखते हैं और एक बहुत बड़ी बात है मेरठ के लिए, बहुत बड़ी बात है उनके लिए टिकट मिलना। अयोध्या में तो मंदिर बना है, मेरठ में राम आ गए हैं। ये तो हकीकत है कि राम ही आ गए हैं मेरठ में। राम के चेहरे में हम उनमें के चेहरे में हम अपना एक राम जी का चेहरा देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरुण गोविल जी बाहरी हैं, मेरठ से नाता नहीं है, तो बाहरी को टिकट क्यों दे दिया बीजेपी ने? भैया जी, बाहरी कहना नहीं उचित है क्योंकि उनका तो जन्म स्थान ही है। राम सबके मन में इस तरह से बसे हुए हैं, उनकी छवि इतनी बढ़िया है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अरुण गोविल जी भगवान राम तो पूरे विश्व में है, कण कण में है, विश्व में उनका आना जाना नहीं होता कहीं, वो सब जगह होते हैं, हर पल होते हैं वहाँ पर। हाँ, एक व्यक्ति यहाँ जरूर आया है जिसने भगवान राम का अभिनय किया था, उनका चरित्र जिया था, उसका नाम अरुण गोविल है, वो जरूर आ गया है। राजनीति में कदम क्यों नहीं? मैं पहली बात तो ये कि इसको आप राजनीति कह सकते हैं, सो कॉल्ड राजनीति, पर मैं राजनीति मुझे आती नहीं, ना मैं करूँगा। मैं तो ये समझ लीजिए कि भाई एक मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे मेरठ मिल गया, तो मेरठ से अच्छी कौन सी जगह होगी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे माँ की ममता मुझे यहाँ खींच लाई है, तो मैं कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। कुछ आपके प्रतिबंधी हैं, जैसे जो इंडिया लाइन से लोग लड़ रहे हैं, वो कहते हैं अरुण गोविल जी तो बाहरी हैं, इतने साल बाद आए हैं, हम तो यहाँ के लोकल हैं, तो टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे जीते अगर मेरठ को? नहीं, क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर मैंने हमेशा मेरा ये उसूल रहा है कि मैंने जीवन में जो भी काम किया है वो सोच समझ कर किया है और मेरे कुछ अपने विचारों के साथ किया है। वो मैं ऐसा नहीं होता कि एक पल में मुझे ये लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए और फिर उसको मैं भूल जाऊं। मैंने वो कभी नहीं किया। उतनी ईमानदारी, वैचारिक ईमानदारी, सैद्धांतिक ईमानदारी मेरे अंदर है। तो जीवन में पहले आपने रामायण में रोल प्ले किया श्री राम का, फिर मैंने अयोध्या में आपको प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी अयोध्या में देखा, और अब मेरठ के कैंडिडेट, मतलब जीवन का सफर भी एक नया सफर बनता जा रहा है आपका धीरे धीरे। नहीं सर, जीवन है ही एक सफर। तो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी बहुत टाइम तक आपके सांसद रहे, अब नए सांसद आने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान लोग कह रहे हैं राम जी आ गए हैं मेरठ में, क्या फर्क पड़ेगा इससे भाजपा के चांसेस को? 100% फर्क पड़ेगा जी, सीट पक्की है यहाँ की बीजेपी के लिए, कोई हार नहीं सकता है। हो सकता है कि पूरे यूपी में रिकॉर्ड मतों से जीते। ऐसा क्यों भाई साहब? मतलब वो तो राजनीति भी नहीं है, पॉलिटिशियन भी नहीं है, जब खुद राम आ गए, राम के पात्र आ गए, इसलिए। अब बाकी मोदी जी योगी जी हैं ही। तो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी ने बड़ा प्यार से उनका स्वागत किया, हार वार पहनाया, तो कुछ खटास नहीं लगी ऐसे कोई नेता में कि कोई खटास की बात? नहीं, ऐसा कोई खटास वाली बात नहीं है किसी तरीके से भी, और बहुत बढ़िया। मोदी का काम जो है एक अपने आप में एक ब्रिलियंट पोजीशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आप यूँ समझ के चलो कि चाहे कोई भी खड़ा हो जाएगा उनकी नाम पे, पार्टी नाम पर, तो श्योर वो जीते। अभी तो अरुण गोविल जी दे दिए उन्होंने, बीजेपी तो करी, भगवान राम ही दे दिए मेरठ को। वो उनकी जीत पूरी तरह से उनकी जीत है, लेकिन 1% है कि कुछ समीकरण चेंज हो जाए, क्योंकि मुस्लिम और दलित एक साथ हो गए। मेरठ में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया अरुण गोविल जी का, सपा भी चुनाव लड़ेगी जोर शोर से, क्या लगता है आपको क्या रहेगा? ये बराबर की टक्कर लगेगी जी, ये तो बराबर की लग रहा है। ये सपा और जो अरुण गोविल जी खड़े हुए हैं ये कुछ, क्योंकि आपको भाई ममडन और वो जो है बराबर का हुआ है, तो बराबर की टक्कर है इनकी, बराबर की। बीजेपी तो कहती है हमने राम जी को ही उतार दिया मैदान में मेरठ में, तो राम जी को उतार दिया तो राम जी को वोट थोड़ी दे देगा ममडन? भाई ममडन वोट जो है वो बीजेपी को तो देता नहीं है, तो हिंदू वोट है तो वो बराबर की है, तो बराबर की टक्कर है। आपको लगता है इस बार बदलाव होगा? तो बदलाव क्यों होगा अगर बदलाव होता है?
अजी यही जीतेगी बीजेपी, और कौन जीत रहा है, बगैर वोट डाले जीत जाएगी। हाँ, वोट डालने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा क्यों भाई साहब? अजी ऐसा क्या, सरकार सत्ता में आ रही, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है आपको किसको वोट पड़ना चाहिए? वोट तो सपा को ही पड़ना चाहिए यहाँ पे। सपा को वोट डालेंगे आप? ऐसा क्यों, आपको कहता सपा आपके मतलब हितों का ख्याल रखती है, क्या क्या कारण है कि सपा को आप वोट डालेंगे? बस सफाई सही सही है हमारे लिए तो फिलहाल। पर पिछली बार बसपा साथ थी, इस बार तो बसपा भी साथ नहीं है, आपको लगता नहीं कि कहीं वोट बटना जाए, मुस्लिम वोट जो है बटना जाए? नहीं बटेगा, नहीं अब नहीं बटेगा वोट, मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, कोई मुस्लिम वो तो नहीं है ना कैंडिडेट कोई। बहुत लोग कह रहे हैं कि राम जी वापस आ गए हैं जैसे मेरठ में, तो आपको लगता है वो कोई फैक्टर है? लोगों में भक्ति की बात भी हो गई है कि अरुण गोविल जी को टिकट दे दिया बीजेपी ने। वो एक वैसे फैक्टर प्ले करेगा क्योंकि वो सबके लिए राम जी रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर प्ले करेगा, तो लोग और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वोट करने के लिए। बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रोज में तो होगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए जी, होना नहीं चाहिए। आपको लगता है कैंडिडेट की मेरिट पर ही वोट डालना चाहिए? हाँ जी, मतलब अगर जैसे अभी का टाइम चल रहा है, हिंदुइज्म हिंदुत्व पे का वो है कि उसका ट्रेंड चल रहा है जनरेशन में भी, पहले नहीं था इतना, अभी अचानक से एक बूम हुआ है। पूरी राजनीति आप पश्चिमी यूपी को अगर देखें, बीजेपी भी है, एसपी भी है, आरएलडी भी है, बीजेपी के साथ आरएलडी इस बार साथ में है, एसपी बीएसपी अलग अलग है, इसका क्या समीकरण आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में अभी देश में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हमको लगता है, क्योंकि इस समय बेरोजगारी की आप व्यवस्था देख सकते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े देख सकते हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्स जो बच्चों के हो रहे थे तमाम वो लीक हो गए हैं, आर ओ का पेपर रहा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर रहा हो, तो तमाम चीज़ों पे सरकार जो फेल रही है, हमने पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा है, बेरोजगारी व्यवस्था देख सकते हैं, महंगाई की व्यवस्था देख सकते हैं, और आलम यह हो गया है इस मेरठ सीट की अगर मैं बात करूँ कि इनके पास कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, और एक फिल्म अभिनेता को जो ये जो राम का किरदार जो अब तक निभाते आए थे, अरुण गोविल जी को इनके पास प्रत्याशी नहीं है, और हताश है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, और आज हमारे पास मुंबई से लाके प्रत्याशी लाने का जो है लाए। जानते तक भी नहीं अच्छे से अरुण गोविल सर को कोई, हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि वो रामायण में राम का किरदार निभाए थे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। We are at the famous Abu Lane of Meerut, and locals here say that the transformation of Meerut in the last 10 years or so has been phenomenal. There's a new Delhi-Meerut expressway which can bring you from Delhi to Meerut in just under 45 minutes. There's the new regional rapid rail which is about to start from Delhi to Meerut. It's already started in one section, the Namo train, by which you can come quickly to Meerut from Delhi. And there's even a talk of a metro in Meerut. There's also the new Ganga expressway which is starting from Meerut till Prayagraj. And the local BJP leaders here say that it's a ganga of development which is flowing in Meerut. And the multiple time MP from here, Rajendra Agarwal, is now making way for Arun Govil as maybe the next MP of Meerut. Chief Minister Yogi Adityanath also says that the tradition has been followed in Meerut of a smooth transition from Rajendra Agarwal to Arun Govil. But will the BJP be able to still impress the voters on the issue of development and good law and order in Meerut, or will there be a surprise? We will only know on April 26th.